सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे देश में गरीबी दशकों से बड़ी समस्या बनी हुई है और गरीबी उन्मूलन के लिए हर राजनीतिक दल अपने प्रयासों को सराहनीय मानता रहा है। आज हमारे विशेष कार्यक्रम जनता की बात में इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, तो आइए देखते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जनता की बात संवाददाता दिनेश दसौंधी के साथ। नमस्कार, मैं हूँ दिनेश दसौंधी, एक बार फिर हाजिर हूँ जनता की बात कार्यक्रम को लेकर। हमारे इस कार्यक्रम में यानी जनता की बात में हम लगातार जनता, राजनीति और चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चाएं कर रहे हैं। हमारे देश में गरीबी एक सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा मुद्दा रही है। इसके उन्मूलन को लेकर इंदिरा गांधी से राजीव गांधी और राजीव गांधी से मनमोहन सिंह तक कांग्रेस कहती कि उन्होंने गरीब उन्मूलन के लिए बहुत कुछ कार्य किए। वहीं कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार की कार्यकाल के दौरान कई गरीब परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं तथा गरीबों का उत्थान हुआ है। आज की चर्चा हमारी इसी विषय को लेकर रहेगी, गरीबी को लेकर के हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के राजनीतिक दलों ने क्या किया, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले बता दूं कि यहाँ व्यक्त विचार एक व्यक्तिगत विचार है। हम यहाँ किसी जाति, वर्ग, संगठन, राजनीतिक दल और व्यक्ति विशेष का समर्थन नहीं करते और न ही किसी का विरोध करते हैं। साथ ही एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमारा यह कार्यक्रम एक चर्चा मात्र है। हमारा किसी को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से दिल को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज की हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बनिहार से नारायण भाई पाटीदार, आपका स्वागत है, और ऊन से जितेंद्र मंडलोई, दोनों का स्वागत करता हूँ। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। नारायण भाई, गरीबी को लेके कांग्रेस कहती है कि उन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक जितने भी कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकारें बनी बहुत काम किए, ऐसे कौन से काम किए? उन्होंने पहले तो ये गरीबों के लिए किया था, जैसे राहत कार्य खोले थे, हर छोटे बड़े सभी को जिस हिसाब से गरीबी रेखा थी उनको सब अनाज वगैरह देता था, वो काम उनको दिया था। उसके बाद में आवास योजना चालू की इंदिरा गांधी ने सबसे पहले, मतलब किस कोई सी पार्टी नहीं लेके आई थी, उसके पहले तो इंदिरा गांधी जी लेके आए थे उनके लिए, गरीबों के लिए मकान वगैरह इनको सब मुहैया करवाए इनको। और उसके अलावा कोई गरीबों के लिए उत्थान के लिए योजना है इनके लिए, जो भी राहत होता था इनके लिए, गल्ला अनाज वगैरह जो उन्होंने चालू किया था कंट्रोल सिस्टम, समिति सोसाइटी द्वारा उन्होंने भी पहले उन्होंने चालू किया, कांग्रेस सरकार ने चालू किया था कि वो उनको 1 रुपये किलो पे देना, वो थोड़ा ज़्यादा लेते थे रेट, पहले 1 रुपये तो बाद में हुआ, पर फिर भी कम रेट में उनको अनाज 35 किलो तक देते थे, आज के दौर में तो बहुत कम हो गया ये देना। जितेंद्र जी, नारायण जी कह रहे हैं कांग्रेस ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, गरीबी है कहाँ? इतना बड़ा कोरोना काल चले गया, आपके घर कभी कोई 2 रोटी मंगने के लिए आओ तो मुझे बता दो एक का नाम भी, गरीबी है कहाँ? आप मानते हैं गरीबी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोग अनाज लेके आते हैं और तत्काल तुरंत मार्केट में बेच देते हैं, मुझे बताओ गरीबी कहाँ है? जबकि वो गाँव उन लोगों ने खाना चाहिए, गरीबों ने चावल खाना चाहिए, नमक खाना चाहिए, नमक तो कोई लेके भी नहीं आता। अच्छा, गरीबी को, गरीबों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया गरीबी मिटाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी गरीबी पूर्ण रूप से मिट गई, हितग्राह के खाते में पैसा आता है। अच्छा, हितग्राह के खाते में पैसा, टोटल पैसा हितग्राह के पैसे में आता है। और राजीव गांधी जी बोल के गए हैं कि हम वहाँ से 1 रुपया बेचते हैं तो यहाँ तक आते हैं तो 10 पैसा रह जाता है। तो मतलब कांग्रेस के कार्यकाल में आपको लगता है भ्रष्टाचार होता है? पूरा भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार होता था, पूरा भ्रष्टाचार। नारायण जी, जितेंद्र जी कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार होता था, तो अभी कहाँ नहीं हो रहा? अभी भी तो हो रहा ना। अभी कैसे हो रहा है? अभी जैसे कि हितग्राहियों को अभी क्या होता था कि अभी इन्होंने क्या किया था कि जो कृषि विभाग में इन्होंने जो दिया था अनुदान देना चालू किया था, जो पहले देते थे तो पूर्ण रूप से ज़्यादा मिलता था, आज के दौर में 5-7 हज़ार दे के उनको एक पाइप थोड़ा दिला दिए, स्प्रिंकलर दिला दिए, तो उनमें 8-10 हज़ार, 5 हज़ार का मोटर पंप दिला दिया, उनके ऊपर जो लाखों रुपया वो जो पहले आता था बड़ी स्कीम होती थी वो इन्होंने ड्रा सिस्टम में टोटल बंद कर दिया इन्होंने। पहले हर फाइल अगर कोई भी हितग्राही लगा रहा था तो सभी का होता था, मंजूर होता था, उनको मिलता था हितग्राही, पर कहीं ना कहीं फाइल लगाने में भी तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता था, फाइल लगाने वाले पैसे खा जाते थे, फाइल लगाने वाले खाए तो पहले आप भी खा रहा, भ्रष्टाचार इंडिया में कभी खत्म होने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार इंडिया में खत्म नहीं होगा, नहीं होगा। एक गरीबी के साथ सबसे बड़ी बात ये आती है शिक्षा, शिक्षा के लिए कांग्रेस ने आज तक क्या किया है? शिक्षा के लिए कांग्रेस ने पहले, आप देख लो अभी की नज़र में आपके इसमें कि पहले अभी देखो आप शिक्षा में पूरा इनको अभी राज्य गवर्नमेंट ने तो पूरा उसको ख़त्म कर दिया ये मान के चलो, आज
विद्यार्थी के लिए पालक इतना खर्चा करते हैं, उसके बाद में भी स्कीमों की पूरी वाट लग जाती है। इतना भ्रष्टाचार हो गया कि हर बच्चे बच्चों को पता है, ऐसा कोई नहीं है, हर स्टूडेंट को पूछ लो आप, हर कर्मचारी वर्ग का आप देखने जाओगे कि अभी जितनी भी वैकेंसियाँ निकली है, MPPSC निकला है 5 साल से अभी तक उसको हुआ नहीं। अभी पिछले वर्ष में इन्होंने अभी इनका रेगुलर किया, कुछ लोगों को दिया है, तो इन्होंने भी कट ऑफ था 135-165 के वाले भी रह गए और उसके नीचे 120-110 वाले भी कट ऑफ वाले अंदर चले गए। तो ये भ्रष्टाचार नहीं, व्यापम घोटाला आप देख लो, वो हुआ तो उसको एक हटा के दूसरा नाम दे दिया उसका। मतलब आप देखो, आपका बच्चा पढ़ने जाता है, पहले कितने में पढ़े होती थी, आज कितने में हो रही है, महंगाई बढ़ गई भैया। आज स्कूल इन्होंने क्या किया, शिक्षा को इतना ये कर दिया कि गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थान है वो उनमें अभी बच्चे नहीं जाने, सब प्राइवेट इसमें जाते हैं ना, इनको कोई इसकी वैल्यू नहीं रहेंगी। इन्होंने शिक्षा को कोई समझा ही नहीं, ये समझो कि पालक कहीं से भी पैसा लाएगा, कहीं से भी खर्च करेगा। जितेन जी, पाटीदार जी कह रहे हैं शिक्षा के लिए भाजपा कुछ करती नहीं है और शिक्षा को बड़ा महंगा कर दिया आप लोगों ने। देखो मैं आपको बताऊँ दिनेश जी, क्या हुआ कि इनकी सरकार थी 70 साल तक, मुझे एक भी बच्चा फ्री में पढ़ने वाला दिखा दे। प्राइवेट स्कूलों में 25% आरक्षण दिया गया इन लोगों को, 25% आरक्षण, मतलब 100 में से 25 बच्चे वहाँ फ्री में पढ़ रहे हैं इनके, और उनका पैसा गवर्नमेंट दे रही है, और वो सरकार है BJP की जो ये पैसा इनको दे रही है प्राइवेट स्कूल वालों को। अच्छा, मुझे बताओ कि शिक्षा का स्तर कौन सा गिरा है? शिक्षा का इतना आपकी नज़र में नहीं गिरा है? नहीं गिरा, कहाँ गिरा है मुझे बताओ तो सही। अच्छा, शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश में से कौन से काम हुए हैं? शिक्षा के यही तो काम हुए ना, आप मुझे बताओ। उनके कापी किताब का पैसा गवर्नमेंट दे रही है, आज तो सरकारी स्कूल में भी देख लो आप, पैसा कौन दे रही, गवर्नमेंट दे रही है उनका पैसा। प्राइवेट स्कूल में देख लो, उनकी फीस गवर्नमेंट दे रही है, तो इसके पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा? मतलब आपको लगता है कि जो कांग्रेस ने करना था वो कर नहीं पाई? नहीं कर पाई। अच्छा, क्या कमियां रह गई थी, कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? ये तो उनकी समझ का फेर है, ये हमारे शिवराज सिंह की समझ का फेर है, जिन्होंने आज 25% बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का सोचा है। आज जैसे अपने गांव में 3 स्कूलें हैं, यदि आज मैं 100 बच्चे यदि मतलब ये मान के चलो बड़े लोगों के पढ़ रहे हैं, तो 25 बच्चे वहाँ गरीबों के भी पढ़ रहे हैं, न तो उनके स्कूल फीस ली जा रही है, न गाड़ी फीस ली जा रही है, उनका पूरा पैसा गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा, एक शिवराज सिंह और भाजपा सरकार पे आरोप ये भी लगता है, पिछले दिनों एक कांड हुआ सीधी में, आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा का एक कार्यकर्ता पेशाब करता है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने तो ऐसा पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा है कि बेटे की सज़ा पूरे परिवार को मिली है। बेटे की सज़ा पूरे परिवार, पूरे परिवार को मिली है। कैसे? बेटे ने पेशाब की तो उनका घर JCB से तोड़ दिया गया और लड़की के पिता को उसके घर ले जाकर खाना खिला गया। ऐसे 70 साल में मेरे को एक आदमी केस बता दो इन लोगों ने कि दिग्विजय सिंह ने, कि अर्जुन सिंह ने, कि किसी ने भी ये काम करके दिखाया हो। मतलब शिवराज ने माफ़ी मांगी तो बहुत बड़ा काम कर दिया। बहुत बड़ा काम कर दिया नारायण जी, शिवराज सिंह जी की माफ़ी को बहुत बड़ा काम बता रहे हैं। इनको वोट चाहिए अभी, वोट चाहिए क्योंकि अभी जितने भी घपले हो रहे हैं और कितने भी अभी आदिवासी के कांड ले लो या किसी और के भी जैसे भी होते हैं, तो आप देख रहे हो, आप पत्रकार हो, आपको पता है, मीडिया सब देख रही है, उनको भी पता है कि जितने भी कांड हुए BJP कार्यकर्ताओं द्वारा हुआ कितना हुआ, कितना परसेंट हुआ, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कितना परसेंट हुआ, ये आपको सर्वे द्वारा पता चल गया होगा या चल जाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा किसी ने किया नहीं, अभी तक किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कभी ऐसा अपराध नहीं किया इस टाइप का कि किसी के ऊपर पेशाब की हो, जो इन्होंने कर दिखाया। वो कह रही ना, जो हम कर देते हो किसी को, ऐसा ही कांड, ये हमेशा ऐसे ही कांड करती है, ये जो नहीं होता वो कर देते हैं भाजपा, जो नहीं होता आज अभी घमंड में चूर इतने ही है ना ये तो। अच्छा, आप कह रहे हो कि शिक्षा ठीक है, शिक्षा ग्रेजुएट विद्यार्थी इतने अभी घूम रहे रोडों पे, क्योंकि उन्होंने तो ग्रेजुएट करके बैठे हैं, डिग्रियां लेके बैठे हैं, पर उनका अभी भी किसी भी नौकरी का कोई ये नहीं है। आप देख रहे हो कि कितने आंदोलन करके, कितने रोडों पे भोपाल में जाके, कितने समय तक, महीने दो महीने अभी भी टीचर भी पटवारी भी सब जाके बैठे हुए, बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी। उन्होंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में हो भी रहा, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में भी लग कौन रहा, जो लाखों रुपये 10-10, 20-20 लाख रुपये दे देते हैं वो, अब तो शिक्षा का मतलब क्या रह गया? जो ग्रेजुएट है, जो पढ़ाई करके अच्छे
नंबर से पास होके जो ये होते हैं मेरिट होल्डर है वो तो यूँ रोडों पे घूम रहे हैं, अभी चप्पल घिस रहे हैं। एक बात और मैं पूछूंगा नारायण जी आपसे, कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी रही जो इतने 36 दलों को जो हमेशा उनके विरोधी रहे चुनाव में, विरोधी आम आदमी पार्टी हो, सपा हो या और भी जितने भी दल हैं, सभी विरोधी रहे हैं चुनाव में, आमने सामने लड़े हैं, तो ऐसी कौन सी मजबूरियां रही कि कांग्रेस को इतना बड़ा समझौता करना पड़ा और इंडिया का गठन करना पड़ा? तानाशाही सबसे, मोदी जी ने इतना तानाशाह लगा रखा है, बीजेपी गवर्नमेंट ने इतना तानाशाह कर दिया है हर किसी के ऊपर कि उनकी मजबूरी बन गई कि चलो आपस के किसी भी सिद्धांतों को एक करके सबको एकजुट होकर इनके तानाशाही को ख़त्म करने के लिए उनको इकट्ठा होना पड़ा। मतलब आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक तानाशाह है? बिल्कुल, हिटलर जैसा, वो पहले निकल गए हिटलर, वैसे तानाशाही है। ऐसा कौन सा काम करते हैं जो तानाशाह उनको? अरे एक जैसा, एक एक किसी के ऊपर कैसा भी कर देते हैं वो, जैसा कि अभी किसी कर्मचारी हो या कोई से इन्होंने किसी के विरुद्ध बोला हो तो ईडी को लगा देंगे, केंद्र गवर्नमेंट की सबसे बड़ी एजेंसी है ईडी, उसके द्वारा उनको दबाव देते हैं, कुछ भी करवाते हैं, जैसे किसी को उनके रेट डलवा देंगे। मतलब सरकारी एजेंसियों का आपको लगता है दुरुपयोग? सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है वो हर किसी को दिखता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई छुपा हुआ है कि नहीं है, आम पब्लिक के लिए वो तो दुरुपयोग कर रहे हैं और हिटलर तानाशाही कर रहे हैं, और इसीलिए हर दूसरी जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा इनके तानाशाही को ख़त्म करने के लिए, देश में एक नई क्रांति लाने के लिए इनके सामने एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। जितेंद्र जी, कांग्रेस ने समझौता इसलिए किया कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गए? तानाशाह होना पड़ा, नहीं तो मुझे बताओ 70 साल में राम मंदिर भी बन जाता और धारा 370 भी हट जाती, 370 धारा भी हट जाती और राम मंदिर भी बन जाता। तानाशाह का कारण यही रहा कि ये 12 बजा के रख देगा, इसलिए सभी गुट इकट्ठे होकर मोदी जी को बाईपास इनको निकालो, नहीं तो ये 12 बजा देंगे। आपको क्या लगता है कि राम राज्य आएगा? मोदी जी से डर रहे हैं लोग? बिल्कुल, जब तो सभी दल इकट्ठे होने का कारण क्या रहा, यही तो कारण है बाबा, सब दल इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो नामो निशान मिल जाएगा, न रहेगी कांग्रेस, न रहेगी साइकिल, हाथी सही नहीं रहेगा, झाड़ू भी नहीं रहेगी, झाड़ू आखिरी में सबका सफाया कर दी। मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ी बात आती है, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और शिवराज सिंह एक बड़ा चेहरा है, ऐसे कौन से काम किए शिवराज सिंह ने कि इस बार फिर से सरकार बनाई? शिवराज सिंह के तो इतने सारे काम हैं, बताओ, लाडली लक्ष्मी योजना, मतलब ये मान के चलो कि बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा पैदा होता है तो 16,000, वो लाडली लक्ष्मी बन के यदि आती है तो 18,000, मतलब उसकी शादी का खर्चा, उसके बाद में उसकी शादी भी कौन करवाता है? मामा शादी भी करवाता है, है ना? मामा शादी भी करवाता है, उसके बाद में यदि वो वृद्ध हो जाती उसको पेंशन 600 रुपये, पहले 85 रुपये मिलती थी वृद्धा पेंशन, आज 600 रुपये, उसके बाद में यदि वो बेचारा मर जाता है तो उसको 5,000 रुपये लकड़ी कंडे के भी देता है मामा, बताओ कितनी बढ़िया योजना है। अच्छा, तो आपको लगता है मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज? बिल्कुल, मामा आएगा, मामा। खरगोन में आप किसको पहली पसंद के रूप में देखते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहले तो वरिष्ठ है हमारे राज्य मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री बालकृष्ण जी पाटीदार, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और मैं तो कहता हूँ कि धर्मशाला है तो उन्होंने दी पाटीदारों को, अन्य समाजों को भी दी है। उसके बाद में क्या हुआ है कि जितने भी मतलब अपने गांव में जो खरंजे लगे हैं वो सब बालकृष्ण पाटीदार जी की देन है, धर्मशालाएँ तो दे रहे हैं, अभी रवि जोशी जी ने भी दे दी 3-4 धर्मशालाएँ, बाकी मुझे एक भी नेम प्लेट रवि जोशी जी के नाम से बता दे कि खरंजा है, जमाना है, फलाना है, अभी तक न तो कोई खरंजा डला है, न कुछ हुआ है, 5 साल होने को आ गए, सिर्फ 3-4 धर्मशालाओं को दिए, कोली समाज को दिए, दशहरा समाज को दिए, ब्राह्मण समाज को दिए, ये 3-4 धर्मशालाओं का उन्होंने ओपनिंग भूमि पूजन अभी किया है। मतलब आपको लगता है बालकृष्ण पाटीदार को यदि टिकट मिलता है तो जीत जाए, और उसके बाद यदि पार्टी है कमान, यदि राजेंद्र दादा को टिकट देती है, विपिन गौर को देती है, कल्याण अग्रवाल को देती है, किसी को भी टिकट देती है, हम तो कार्यकर्ता बनकर उनकी सेवा में बिल्कुल सदैव तत्पर रहेंगे और बीजेपी का झंडा गाड़ेंगे, और 6 की 6 विधानसभाओं में बीजेपी का परचम लहरेगा और 150 के बाहर होकर शिवराज सिंह जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। नारायण जी, शिवराज सिंह जी फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जितेंद्र जी कह रहे हैं? आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी सीटें आ रही, कौन बन रहा,
वो तो मामा जी को, जो मामा जी बोल रहे हैं मामा जी को खुद लग रहा है कि क्या होने वाला है। जैसा वो अभी कहना, ये हम जैसे ये बोल रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि हमारी सीटें पूरी आएगी। हमारी सीटें मध्य प्रदेश में 135 सीट का अनुमान है, सर्वे हो चुका है, पार्टी का भी हो चुका है, यूँ प्राइवेट एजेंसियों ने भी कर रखा है, पत्रकारिता ने भी कर रखा है। तो उसमें आप जो अपना अपना सबको बोलना रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर हमारे यहाँ तो ये खरगोन की तो पूरी 6 सीटें आएगी, कांग्रेस की 6 सीटें आप जीत रहे हो, जीत रहे हैं। खरगोन में आप किसको पहली पसंद मानते हैं खरगोन विधानसभा के लिए? पूर्व विधायक रवि भाई जोशी जी आ रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ आपके गांव में बनिहार में उन्होंने काम किए हैं? किए हैं, खरंजा दिया है, धर्मशाला दिए, हरिजनों को धर्मशाला दी हुई है, पाटीदार धर्मशाला में किचन सेट वगैरह बनवाए, हमारे यहाँ खरंजे डले हैं। आपके यहाँ खरंजे डले हैं? जितेंद्र जी ने कहा कि धर्मशाला को वाला कोई काम नहीं किए रवि जी? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो खरंजे किए हुए हैं ना। आपके यहाँ खरंजे और मंजूर है और अभी कार्य अभी चालू होने वाला है, हो चुका है, हो भी गया और चालू होने वाला भी है। पूरा राशि डल गए हमारे यहाँ, पूरी राशियाँ डल गई, राशि डल। तो आपको लगता है कि इस बार रवि जोशी जी फिर से दाव खेलेंगे? बिल्कुल, पिछले बार से हो सकता है ज़्यादा वोटों से अभी इस बार में आएंगे, और जितनी भी हमारी विधानसभा सीटें हैं अपने यहाँ की जितनी है, सब ऊपर ज़्यादा, मतलब पिछली वोटिंग से ऊपर बढ़ के आएगी इस बार। ये थी हमारी एक विशेष चर्चा जनता की बात। जनता की बात में हम लगातार लोगों से जनता के मुद्दों पर, राजनीति के मुद्दों पर और चुनाव के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े थे उनसे जितेंद्र मंडलोई जी और बनिहार से नारायण पाटीदार जी, दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको बता दूं कि हमारे इस कार्यक्रम को, इस चर्चा को, इस चुनाव की बात कार्यक्रम को आप डिजाइना विजन प्लस के केबल नेटवर्क यानी डिस्क केबल के माध्यम से देख सकते हैं, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पे के नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, और आप कमेंट्स में अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं, आपके प्रश्नों का हमें इंतज़ार रहेगा। अगली बार एक ऐसी चर्चा के साथ जनता की बात में फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ दिनेश दसौंधी, SW24। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।